Okay. Done. Jai Hind everyone, welcome to Force MPPSC. So from today onwards, we are starting a new series for MPPSC prelims 2022. So जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो prelims का exam है 2022 का, वो होने वाला है 21 मई को. So जो हमारी offline test series है, इनफैक्ट offline and online दोनों जगह पर हमारी जो test series है वो available है. उस सीरीज को लेकर के हम लोग यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं. एंड इन दिस प्रैक्टिस सेट यू विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, सारे तरीके के क्वेश्चंस, एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, एमपी हो, मिसलेनियस हो, सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डेली डिस्कस करने वाले हैं. सो टाइमिंग मैं और एक बार आपको लास्ट में कन्वे कर दूंगी. इसके अलावा एक बार फटाफट से सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर हम इस सीरीज को शुरू करते हैं. चलिए, सो ये जो क्वेश्चन है 2021 का जो एमपीपीएससी हुआ था प्रीलिम्स, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि पद्म अवार्डी जो है जिनका नाम क्या है, भूरी बाई, ये जो है किस फील्ड से रिलेटेड है, किस क्षेत्र से इनका संबंध है, चित्रकारी, संगीत, नृत्य या फिर लेखन, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस या फिर राइटिंग. So, इसका जो सही आंसर है वो हम लोगों को बताना है. हालांकि ये क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि करंट बेस्ड था, बिकॉज उस टाइम पर पद्मश्री अवार्ड, पद्म अवार्ड बेसिकली क्या किए गए थे, अनाउंस किए गए थे. सो ये क्वेश्चन करंट बेस्ड तो था ही, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आप पिछला पेपर उठा करके देखेंगे तो जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पर्टिकुलरली किस फील्ड से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. सो इनका जो संबंध है वो किससे है, पेंटिंग से, यानी कि चित्रकारी से है. ठीक है, जो भूरी बाई है इनका संबंध पेंटिंग, पेंटिंग यानी कि चित्रकारी से है. यहां से हमें एक और इंफॉर्मेशन मिली, वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, वो ये कहती है कि ये जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. तो एक तो ये चीज हो गई. अब पेंटिंग है तो कौन सी पेंटिंग के लिए है. देखिए, भूरी बाई जो है वो किस जिले की है, तो शी इज फ्रॉम झाबुआ. आप सभी को पता है कि झाबुआ हुआ, अलराजपुर हुआ, धार हुआ, बड़वानी हुआ, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है ना एमपी के जहां पर आपको सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है. ठीक है, मेनली बड़वानी, धार और झाबुआ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगी, किसकी, ट्राइबल पॉपुलेशन है ना. और एमपी की सबसे बड़ी ट्राइब की अगर हम बात करें तो वो है भील. मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है भील. लेकिन यहां पर आपको ये याद रखना है, इंडिया की जो सबसे बड़ी ट्राइब है, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज गोंड, दोनों अलग अलग हो जाते हैं बच्चों. एमपी की जो है इट इज भील और इंडिया की जो है वो कौन सी है, गोंड है. फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पूरे भारत में सर्वाधिक ट्राइबल पॉपुलेशन, सर्वाधिक जो आपकी जनजातीय है, वो किस राज्य में सबसे ज्यादा, पॉपुलेशन बेसिस पर बात करें, हम नंबर के बेसिस पर बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी, ट्राइब्स की, किस स्टेट में है. सो द राइट आंसर विल बी अगेन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है. पर एक और चीज अगर आपसे पूछ ले कि परसेंटेज वाइज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल, जो टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज है, उस बेसिस पर किस राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है, मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन है, सो आपका आंसर क्या होगा, ऐसे में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा मिजोरम. क्या हो जाएगा, मिजोरम. तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप गोंड है, एमपी का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप भील है, इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश. इंडिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला ट्राइबल एरिया कौन सा है, तो वो हो जाएगा मिजोरम. हम बात कर रहे थे भूरी बाई की, जो कि झाबुआ जिले की है, जो कि एक भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. एमबीपीएससी 2021 का ये क्वेश्चन है. इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक जो ये जो टर्म लिखी हुई है पद्म अवार्ड,
इंडिया के चार अवार्ड बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? तो पहला आएगा हमारा भारत रत्न, इसके बाद मिलेगा हमें पद्म विभूषण, थर्ड इज पद्म भूषण एंड फोर्थ वन इज पद्म श्री। ये बेसिकली चार सिविलियन अवार्ड है इंडिया के, इन विच द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया भारत रत्न, सेकेंड हाइएस्ट पद्म भूषण, थर्ड हाइएस्ट पद्म भूषण एंड द फोर्थ वन इज पद्मश्री। ठीक है, फिर ये चारों ही अवार्ड 1954 में शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे? 1954 में। वेदर इट इज भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, ऑल दीज अवार्ड्स ये कब स्टार्ट हुए हैं? 1954 में। एक्चुअली यूपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग भारत रत्न, कि भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज कि ये जो है आपको मैक्सिमम 5 लोगों को एक बार में दे सकते हैं। फिर पूछा गया था कि आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इनको डिसकंटिन्यू किया हो। तो इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ रहा है, आपको पता है एमपीपीएससी धीरे धीरे अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर रहा है, तो यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आपको हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ, ये एक बार में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। और पहला भारत रत्न दिया गया था किस किस को? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 5 सितंबर को हम लोग भारतीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसके अलावा दूसरे थे सीवी रमन, जिन्हें हम रमन इफेक्ट के लिए जानते हैं, और इन्होंने जो रमन इफेक्ट है उसकी खोज 28 फरवरी को की थी। इसी वजह से 28 फरवरी को भारतीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड थर्ड इज सी राजा गोपालाचारी, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले क्या थे? इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल। ये पहले 3 अवार्डी हैं भारत रत्न के। एंड जो रीसेंट दिया गया है, दैट वाज इन 2019, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख, हियर कम्स द भारत रत्न ऑफ 2019। ये भी आप याद रखेंगे। फिर मैं पद्म अवार्ड की बात करूं तो रिसेंटली आपको पता है 26 जनवरी पर इनकी घोषणा होती है पद्म पुरस्कारों की। इस बार 2023 में जो पद्म पुरस्कार है उनमें आपको 91 मिलेंगे पद्मश्री, 9 मिलेंगे पद्म भूषण और 6 मिलेंगे पद्म विभूषण। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 91 क्या है? पद्मश्री है, 9 है पद्म भूषण और 6 है पद्म विभूषण। ये 2023 का है, और इस 2023 के 6 पद्म विभूषण में से जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, सबसे पहला नाम आता है दिलीप महालनोबिस का। किसका? दिलीप महालनोबिस का, ORS के इन्वेंटर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके बाद आते हैं मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी। ये वो लोग हैं जिन्हें इस बार का 2023 का पद्म विभूषण दिया गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2023 में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है जोधड़ा बाई बैगा, नाम से ही समझ में आ रहा है किस जनजाति की है, बैगा जनजाति की है। किस जिले की है? उमरिया की है। और किस फील्ड के लिए दिया गया है? बैगा चित्रकला के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरे हैं रमेश परमार। कौन है? रमेश परमार। ये किस जिले के हैं? तो ये हैं झाबुआ जिले के, और गुड़िया शिल्प के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दूसरी शांति परमार, ये भी कहाँ की? झाबुआ की हैं। गुड़िया शिल्प के लिए इन्हें भी सम्मानित किया गया है। और चौथे आते हैं मुनीश्वर चंद डावर, जबलपुर के हैं ये। बहुत एज में जाकर के उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये किस फील्ड से रिलेटेड है, किस
क्षेत्र का है तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। सो इस बार के पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं इन टोटल? 106 है। 106 में 91 पद्मश्री है, 9 पद्म भूषण है और 6 जो है पद्म विभूषण है, ये आप याद रखेंगे। ओके चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसे भारतीय रॉबिन हुड जो है उसके नाम से जाना जाता था, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता था? तांत्या भील, काजल सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर ताना भगत, क्या होगा आंसर बताइए। सो इसका जो सही आंसर है, अगर हम इंडियन स्ट्रगल की बात करें, फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसमें एमपी के भी कई सारे लोग रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, उसमें से सबसे फेमस नाम है टांट्या भील। सो जो टांट्या भील है इन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा, ये भी आप याद रखेंगे कि आखिर कहा किसने था भाई, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा टांट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड कहा गया था, ये आप याद रखेंगे। और आप सभी जानते हैं कि इंदौर का जो एजुकेशन हब वाला एरिया है भंवर कुआं, इसका नाम बदल करके टांट्या भील चौराहा कर दिया गया है, मामा टांट्या भील चौराहा इसका नाम कर दिया गया है। ऐसी जो उपाधियां हैं बेसिकली कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य के नाम से किसको जाना जाता है? द्वारका प्रसाद मिश्र को जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम एमपी अगर और हम बात करें, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के समय पर सरदार की उपाधि जो है वो दी गई थी। इसके अलावा महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर को, टैगोर से आपको गुरु जी कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इस तरीके से जो उपाधियां हैं वो कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 1857 की क्रांति में खाजा नायक ने किस क्षेत्र से विद्रोह किया था? महाकौशल, विंध्य प्रदेश, मालवा या फिर निमाड़, क्या होना चाहिए सही आंसर हमारा? जो खाजा नायक है 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र से जो है इन्होंने विद्रोह किया था, ये जवाब हमें यहां पर देना है। इसका जो सही आंसर होगा, आयुषी का आंसर आया, आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका निमाड़। ठीक है, निमाड़ वाला क्षेत्र आप सभी जानते हैं, निमाड़ का जो पुराना नाम है वो क्या है? अनूप इसको बोला जाता था। आपके एग्जाम में ये पुराने नाम भी बड़े सारे पूछ लिए जाते हैं, है ना? तो जैसे कि इसी बार का क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, 2020 का, बेसिकली सांची का पुराना नाम पूछा गया था, कांकड़ाद जो है सांची का पुराना नाम है। ठीक है, हम ये सारी चीजें प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे, जिसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपका पुराना हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो इसके बनने के चांसेस हो वो छूट जाए। आपका 21 मई को प्रीलिम्स तक सारी की सारी चीजें आपको यहाँ टेस्ट सीरीज में करा दी जाएंगी। ठीक है, तो सांची का पुराना नाम काकड़ाद ये पूछा गया था। जय हिंद दीपाली। इसके अलावा निमाड़ का पुराना नाम क्या है? अनूप है। खाजा नायक जो है इन्होंने निमाड़ से क्या किया है? नेतृत्व किया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं 1857 की क्रांति के बारे में, देखिएगा खाजा नायक जो है इनका जन्म हुआ है निमाड़ में, कब? 1830 में। निमाड़ क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह किया, लेकिन ये नाम भी आपको याद रखना है, कर्नल आउट्रम। जय हिंद परी, गुड आफ्टरनून बेटा। कर्नल आउट्रम ने इनको बंदी बना लिया था और इनका फिर मर्डर कर दिया गया था। अब बात आती है 1857 की क्रांति की, रिवोल्ट ऑफ
1857, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। उसका कारण क्या था, मैं आपको पूरा एकदम शॉर्ट में बताती हूँ बाय द स्टोरी। बेसिकली जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, एक कहानी सुना रही हूँ मैं सबको, ठीक है, जो जो भी दूसरे एग्जाम वाले लोग भी हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये ऑब्वियसली। देखिए होता क्या है कि आप सभी को पता है जब मुगलों का शासन था, बेसिकली जहांगीर, तब उस टाइम पर इंडिया आए थे कौन, अंग्रेज। पहले आपके कैप्टन हॉकिंस इंडिया आए, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की सूरत में 1613 में। हालांकि वो लोग ऑलरेडी एक इलीगल फैक्ट्री अपनी स्टैब्लिश कर चुके थे, कहां पर, मसूलीपट्टनम में, बट द फर्स्ट लीगल फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट सूरत इन 1613। आफ्टर दैट क्या होता है उसके बाद, तो उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसारने शुरू करते हैं और वो पहुंच जाते हैं कहां पर, बंगाल में, है ना। बंगाल का जो शाह शुजा जो था, नवाब जो था, तो वो क्या कर देता है, इनको दे देगा थोड़े बहुत राइट्स ट्रेडिंग वगैरह के। फिर बंगाल में एक आएंगे नवाब, उन नवाब का नाम क्या है, सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला क्या करते हैं, सिराज उद्दौला जब अंग्रेज बंगाल जाकर के जो फोर्ट विलियम है उसको बनाना शुरू करते हैं, उसका फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो सिराज उद्दौला उनको रोक देते हैं कि भैया ना, ये तो आप नहीं कर सकते, ना ही हम ये आपको करने देंगे। तो बोले फिर क्या, तो अंग्रेज हो गए इससे नाराज, किससे, सिराज उद्दौला से, ठीक है, बढ़िया चल रहा था। सिराज उद्दौला ने क्या किया, सिराज उद्दौला ने क्या किया कि भाई जून 1756 में, बेसिकली डेट जो थी वो थी 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को पकड़ करके, बिल्कुल अजय, 146 अंग्रेजों को पकड़ करके कहां डाल दिया, काल कोठरी में डाल दिया, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, अगली सुबह जब उसको खोला गया, 123 अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, मर गए थे। फिर अंग्रेज हो गए नाराज कि भैया ऐसे बिना बात के उठा करके हमारे जो भी लोग थे उनको आपने मार दिया, तो ऐसे तो अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। नाराज किससे हुए, सिराज उद्दौला से नाराज हुए। तो बोले अब क्या, सिराज उद्दौला का जो आर्मी जनरल था उसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था, मीर जाफर। तो इनने क्या किया, अंग्रेजों ने मीर जाफर से, क्यों इतनी हिंदी लिख रही बेटा, मीर जाफर से क्या किया इनने, गठबंधन बनाया, फोन लगाया मीर जाफर को, बोले भाई ऐसा है कि तुम्हारे नवाब ने बड़े 3-5 किए, हमारे लोगों को मार दिया, अब जो है नवाब को निपटा देते हैं और हम तुमको नया नवाब बनाएंगे। मीर जाफर लालच में आ गया, बोले हाँ मेरे को तो नवाब बनना ही है, क्या ही बात है, इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। बोले ठीक है। फिर क्या हुआ, तो फिर हुआ ये कि मीर जाफर अंग्रेजों की साइड हो गया। 1757 में युद्ध हुआ, कौन सा, प्लासी का युद्ध, और मीर जाफर ने मार दिया किसको, सिराज उद्दौला को, और नया नवाब बना दिया गया है किसको, सिराज उद्दौला को। प्लासी के सिराज उद्दौला को मारने के बाद मीर जाफर को क्या बना दिया है, नया नवाब, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मीर जाफर ने प्रॉमिस किया था कंपनी से एक पर्टिकुलर अमाउंट को लेकर के कि इतने पैसे मैं आपको दूंगा हर महीने हर साल के, जो भी एक पर्टिकुलर प्रॉमिस था, बोले इतने पैसे तो आपको देंगे ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पर मीर जाफर जो था वो पैसे दे नहीं पाया, इतने मिले ही नहीं, है ना, मीर जाफर पैसे नहीं दे पाया। अंग्रेजों का दिमाग खराब, बोले पैसे के लिए तुमको नवाब बनाया, पैसे तुम दे नहीं रहे, जाओ चलो, किसको बनाए, नया नवाब मीर कासिम को, इसी का दामाद था वो, मीर कासिम को नया नवाब बनाया गया। मीर कासिम मन में सोच रहा, भैया नवाब तो बना दो, फिर देखता हूँ कैसे पैसे और काहे के पैसे, मजे ले लूंगा और तुम्हारे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो मीर कासिम जैसे ही नया नवाब बनाया, उसने अंग्रेजों की छुट्टी कर दी, बोले जाओ कोई पैसे वैसे नहीं है, ये वो। अंग्रेजों का दिमाग खराब कि यार ये नवाबों की बड़े दिक्कत है। उनने फिर मीर कासिम को हटाया और फिर से बनाया किसको, मीर जाफर को। ऑर्डर समझना, सिराज उद्दौला, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम और फिर से मीर
जाफर, ठीक है। तो बोले अब क्या, मीर कासिम का हो गया ईगो हर्ट कि भाई तुमको जब हटाना ही था तो आखिर मुझे नवाब बनाया क्यों, ये क्यों मेरे साथ खिलवाड़ किया तुमने, ऐसा ऐसा सीन हो गया इनका। तो बोले अब क्या करें। मीर कासिम ने फोन लगाया अपने दोस्त को, और इनका दोस्त था अवध का नवाब शुजाउद्दौला। बोले यार भाई अंग्रेजों ने तो मेरे साथ खेला कर दिया है एकदम बहुत बेहतरीन, मेरे को नवाब बनाया और नवाब के बोझ से अब हटा दिया, और मेरा बहुत जोर से हो रहा है दिमाग खराब, ठीक है। तो शुजाउद्दौला ने कहा ठीक है, करते हैं कुछ, क्या करें, लड़े कैसे। तो बोले बड़े भैया को फोन लगा दो। बड़े भैया को फोन लगाया, बड़े भैया कौन, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड को फोन लगाया, तीनों का ट्रायो बन गया। नाम लिखना कौन कौन से तीन लोग हो गए, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह। तीनों आए लड़ने अंग्रेजों से, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और युद्ध हुआ 1764 में, किसका, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, जिस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं, मीर कासिम भाग जाता है, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के साथ एक संधि करते हैं, जिस संधि का नाम है क्या, अलाहाबाद की संधि। और इस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी अधिकार, दीवानी राइट्स दे दिए जाते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है, परी, दीपाली, दीपाली बाकी लोगों को भी, हिरल, भारती, इन लोगों को भी शेयर कर देना क्या होता है। तो बोले अंग्रेज अब क्या करेंगे, पूरा टैक्स वैक्स जो है वो वसूलने का काम कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे, ठीक है। अब यहां से अंग्रेजों ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया, यहां पर बंगाल के नए गवर्नर बनाए गए, रॉबर्ट क्लाइव। कौन बने, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद फिर नए नए गवर्नर बनते गए, कॉर्नवालिस बने, ठीक है, कॉर्नवालिस बने, फिर इसके बाद वेलेस, बहुत सारे आए। तो इन सब ने क्या किया, इन सब ने क्या किया कि भाई नई नई पॉलिसी लेके आए, कॉर्नवालिस आपका परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आए, वेलेसली सब्सिडरी अलायंस लेकर के आए, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आए, और इन पॉलिसीज ने भारत में एकदम कहना चाहिए असंतोष भर दिया, है ना। और ब्रिटिशर्स की इन्हीं पॉलिसीज की वजह से हमारे लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जब हम लिखते हैं ना मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो आपसे पूछेंगे 1857 की क्रांति के कारण, तो ये जो मैंने आपको बताया है, डलहौजी का ये, वेलेसली का ये, कॉर्नवालिस का, ये तो हमें लिखना ही है, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तत्कालिक कारण। मैं कह रही हूँ आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हो, कुछ कारण होगा, एक बार उसने चिढ़ाया होगा, एक बार कुछ किया होगा, एक बार कुछ किया होगा, पर एक दिन ऐसा आता है कि कुछ सडन चीज ऐसी होती है कि आप फट पड़ते हो, और बोले बैंड बना देंगे इसकी। वही चीज हुआ कि धीरे 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 बैकग्राउंड तो बन रहा था, बट इमीडिएट कॉज क्या बना, तो इमीडिएट कॉज बना इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स। नई जो राइफल्स है वो इंट्रोड्यूस की गई, और उसमें लगाने वाला जो कारतूस था, है ना, जो कार्ट्रिजेस थे, दे वर मेड अप ऑफ बाय द फैट ऑफ काउ एंड पिग, ऐसा माना गया, सुअर की और गाय की चर्बी से बनाए गए हैं जो कार्ट्रिजेस हैं, किसके, एनफील्ड राइफल्स के, और उनको यूज करने से पहले मुंह से खोलना पड़ेगा, ऐसी बात हुई। तो हिंदुओं के लिए गाय आप जानते हैं कितनी पूजनीय है, मुस्लिमों ने कह दिया कि भैया हम जो वो है सुअर का, हमारे कुरान में प्रोहिबिट है, ऐसा है वैसा है, तो हम इसको उपयोग नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि नहीं, उपयोग तो करना पड़ेगा चाहे जो हो जाए, और इसी के चलते क्या कर दिया गया, इसी के चलते मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश ऑफिसर की क्या कर दी, हत्या कर दी। फिर इसके बाद क्या हुआ, मंगल पांडे को पकड़ करके क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर 10 मई 1857 में क्या होता है, रिवोल्ट शुरू होता है।
मंगल पांडे की डेथ के बाद 10 मई 1857 को रिवोल्ट शुरू हुआ, पर बात ये आती है एमपी में डेट सेम नहीं है। ये तो 10 मई 1857 में मेरठ से शुरू हो गया, पर एमपी में रिवोल्ट शुरू हुआ है बच्चों 3 जून 1857 को नीमच की छावनी से, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं ऐसा मान रही हूँ कि 1857 का जो बैकग्राउंड है वो एटलीस्ट बन चुका है। ठीक है, 3 जून नीमच की छावनी से। ठीक है, बढ़े आगे चलो। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? Who is called as the मसीहा ऑफ ट्राइबल्स? महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, बादल भोई और इमरत भोई, बताइए क्या होगा आंसर? आंसर जो है इसका, वेरी गुड परी, आंसर है इसका बी। ठक्कर बापा जो है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ट्राइबल्स का मसीहा, मसीहा ऑफ दी ट्राइब्स। एंड अगेन मैंने आपको ऑलरेडी ट्राइब्स के बारे में बताया हुआ है। इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? दीपाली, गोंड। एमपी का सबसे बड़ा कौन सा है? भील। पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा एमपी, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा मिजोरम। ठीक है, ठीक है ना। और अगर एमपी के डिस्ट्रिक्ट की बात करें पॉपुलेशन में, तो हम कैसे याद रखेंगे? धार, बड़वानी और झाबुआ पॉपुलेशन। और परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो अलराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, ऐसे याद रखना है आपको। पॉपुलेशन वाइज धार, बड़वानी, झाबुआ, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा अलराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठक्कर बापा का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था और इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये लीजिए, आ गया ना क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था 2023 का पद्मश्री दिया गया है किसको? जोधैया बाई को। अभी बताया था ना मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ये चीज बताई थी, जोधैया बाई जो है इन्हें 2023 का पद्मश्री दिया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? झाबुआ, छिंदवाड़ा, धार या फिर उमरिया, क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उमरिया। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने अभी इसको यहाँ पे दिखाया था आपको, यहाँ पे पूरे 4 नाम मैंने लिख दिए हैं। ये फाइल जो है आपको फोर्स एमबीपीएससी के चैनल पर मिल जाएगी, ये रही, देख लीजिए। जोधैया बाई बैगा उमरिया जिले की है और इनका संबंध है बैगा चित्रकला से। किससे है इनका संबंध? बैगा चित्रकला से है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक, पद्मश्री से सम्मानित सम्मान इनको मिला है। भीलों का गांधी किसको कहा जाता है? Who is known as गांधी ऑफ भील? बताइए क्या होगा आंसर? आंसर है इसका डी, बिल्कुल बालेश्वर दयाल को। किसको? बालेश्वर दयाल जो है इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है। वेरी गुड परी, सौरभ। देखो जितने भी लोग पीएससी वाले देख रहे हैं वीडियो को, टाइम कैन बी द सेम, हो सकता है टाइमिंग आपकी यही रहे या फिर टाइमिंग आपकी डिफर भी कर सकती है। और टाइमिंग के लिए मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगी, तो आप लोग अपडेटेड रहे, चेक करते रहे उसको। और आपके आने वाले 21 मई तक मैं आपकी जिम्मेदारी लेती हूँ सारे सब्जेक्ट्स की। हम डेली, मतलब आपका जो ये प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 100 क्वेश्चंस अगर आप डेली करेंगे, आप समझ रहे हैं मतलब मेरी बात, तो टेस्ट सीरीज भी जब हम कहीं ज्वाइन करते हैं ना,
तो वो भी डेली में नहीं होती है, लेकिन 100 क्वेश्चंस यहाँ पर डेली आपको कराने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। बस आपको समय पर आना है, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास के बारे में अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी आपका आसपास में लोग पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक ये पहुंचाना है। अभी समय है एग्जाम में, मार्च पूरा बाकी है हमारे पास, अप्रैल पूरा बाकी है, और अगर हमने ये 100 क्वेश्चन डेली तक कर लिए तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। चलिए टाइमिंग का मैं एक बार आपको जो शॉर्ट्स बना करके कन्वे कर दूंगी। देखिए, जो बालेश्वर दयाल हैं उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था, लेकिन इनकी कर्म स्थली कौन सी रही है? झाबुआ जिला रहा है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना है। यह प्रसिद्ध समाज सेवी नेता थे और इन्हें भीलों का गांधी भी कहा जाता है, और इनका निधन हुआ है 1998 में। इनका निधन कब हुआ है? 1998 यानी कि 1998 में। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। भीलों का गांधी इन्हें कहा जाता है, कर्मस्थली झाबुआ जिला रहा है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंध रखते थे। बात किसकी कर रहे हैं हम? बालेश्वर दयाल। चलिए आ जाइए अगला। ये देखिए, इसमें से मैंने अभी आपको 2-3 तो बताए ही हैं। कौन कौन से बताए हैं? जोधैया बाई बताई हैं मैंने आपको, सीका वन, लो हमें एक ही ऑप्शन में मिल गया सीका वन, है ना। आपको ये जो होते हैं ना मैच द फॉलोइंग वाले, ये आपको ऐसे ही करना है, सारे ऑप्शन मिलाने हमें बैठने ही नहीं है, हमारा टाइम बचेगा इससे। तो भैया जोधैया बाई मैम आपने भी बताया था उमरिया की है, फिर भीमा नायक निमाड़ यानी कि बड़वानी के थे, फिर और क्या पढ़ा था हमने, फिर हमने पढ़ी थी भूरी बाई झाबुआ की थी, पद्मश्री दिया गया था 2021 का, बादल बोई बचे अब क्या, छिंदवाड़ा। बादल बोई ट्राइबल म्यूजियम भी कहां पर है? छिंदवाड़ा में। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन से हमें 4 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। क्या इंफॉर्मेशन मिली? भीमा नायक कहां के? बड़वानी। भूरी बाई कहां की है? झाबुआ। जोधैया बाई उमरिया, और बादल भोई छिंदवाड़ा। बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है? जल्दी से लिखो, बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर है? क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ, आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। वेरी गुड, ठीक है। ये लिखा हुआ है प्रॉपर पूरा, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। आप यकीन मानो, आप अगर ये क्लास देखोगे, इस क्लास के बाद ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, एक बार आप उसको पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, 2 महीने में इतनी अच्छी जो तैयारी है वो आपकी हो जाएगी ना, कि कुछ और फिर करने की जरूरत ही नहीं है। और थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बताती रहूंगी कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, उतना अगर आपने कर लिया तो समझ लो फिर जीत गए हम, समझ रहे हो ना। सो बस अब, लेकिन क्लास जरूर अब आपको डेली देखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। 2018 में पद्मश्री से सम्मानित गोंड जनजाति के भज्जू सिंह श्याम किस क्षेत्र से संबंधित हैं? भज्जू सिंह श्याम जो है गोंड ट्राइब को बिलोंग करते हैं, 2018 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है, और ये किस फील्ड के हैं? मलखंब खिलाड़ी हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, या फिर लेखक हैं? बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। आंसर ना बेटा चित्रकार नहीं है, आंसर सी होगा इसका। प्रसिद्ध मूर्तिकार है, स्कल्प्टर है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा सी, स्कल्प्टर है, स्कल्प्टर है भज्जू सिंह श्याम। जय हिंद राहुल। 2018 में पद्मश्री से सम्मानित, आपसे पूछ लेंगे क्या भैया कि ये जो भज्जू सिंह श्याम है ना, ये किस जनजाति के हैं? बिल्कुल पूछ लेंगे, जोधैया बाई पूछ लेंगे, बैगा की है या नहीं है। तो ये किस जनजाति के हैं? गोंड जनजाति के हैं। किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, स्कल्प्टर हैं, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। और ये जो है इनका संबंध किस जिले से है, ये आप याद रखेंगे, तो डिंडोरी से इनका संबंध है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ डेकोरेशन सीन इन द स्तूप ऑफ सांची इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को बिल्कुल बताओ। तो जो सांची का स्तूप है उसमें जो सजावट की शैली है अमरावती, गांधार, मथुरा या फिर भरूत? भरूत तो आप जानते हैं कि क्या है। क्या होगा आंसर? ना, आंसर इज डी, क्योंकि इसी सजावट शैली के आधार पर सतना में भरहूत का स्तूप भी बनाया गया था। ये याद रखना बहुत इजी है हमारे लिए, है ना। इसी शैली के आधार पर सतना में स्तूप बनाया गया और उसी का नाम क्या रख दिया? भरहूत स्तूप। अब देखिए सांची के स्तूप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सबसे पहली बात, भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, एक बात। दूसरी बात क्या कि गौतम बुद्ध कभी भी सांची नहीं आए। भारत का सबसे बड़ा स्तूप भले ही सांची का स्तूप है पर गौतम बुद्ध कभी भी सांची नहीं आए और ना ही इसमें गौतम बुद्ध के अवशेष हैं। बेसिकली स्तूप में क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं वही तो रखे रहते हैं ना, वही तो रखे होते हैं। तो ये ना तो कभी भी सांची गए और ना ही कहां पर इनके अवशेष हैं। तो फिर क्या है? तो फिर भैया यहां पर गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, क्या नाम था इनका? तो एक तो है सारिपुत्र। कौन है? सारिपुत्र। और दूसरे हैं महामोगलायन। महामोगलायन, इन दोनों के यहां पर हमें क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। कहां? सांची। सांची भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, निर्माण अशोक ने कराया था, गौतम बुद्ध कभी भी नहीं आए, ना गौतम बुद्ध के अवशेष हैं। तो किसके अवशेष हैं? सारिपुत्र एंड महामोगलायन। बिल्कुल दीपाली, सांची का स्तूप बनाया अशोक ने था लेकिन इसकी जो रेलिंग है जिसको वेदिका भी बोलते हैं वो बनाई गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। कब बनाई गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसको बनाया गया था शुंग काल में। बिल्कुल ठीक है। इतना हमें याद रखना है यहां से। और स्तूप अगर मैं आपको बताऊं, सतना में है भरूत का स्तूप, उज्जैन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं अशर्फी महल और नीलकंठेश्वर महल कहां पर है। अशर्फी महल और जो नीलकंठेश्वर महल है, सौरभ उसको देख लेंगे, एक बार रिव्यू कर लेंगे। मांडू में है, है ना। अब देखो मांडू जो है आप सभी जानते हैं कि एमपी के जितने भी टूरिज्म साइट्स हैं, है ना, जितने भी टूरिज्म साइट्स हैं मध्य प्रदेश के, उनमें सबसे कहना चाहिए हिस्टोरिकली रिच जगह अगर कोई सी है तो वो कौन सी है? मांडू। एक क्वेश्चन अगर आप हर बार एग्जाम देखेंगे ना, एक क्वेश्चन यहाँ देखने को हमें एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। जहाज महल का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, बहुत सारा कुछ पूछा हुआ है। खिलजी द्वारा बनवाया हुआ जो स्तंभ है वो भी यहाँ पर है, है ना। अब ये जो नीलकंठेश्वर मंदिर है ना, इसकी क्या कहानी है? तो कहते हैं कि जब जोधाबाई, ऐसी कहानी है, जोधाबाई जब मांडू आई थी
तो उनकी पूजन के लिए, उनकी पूजन के लिए यहाँ पर ये मंदिर बनवाया गया था, नीलकंठेश्वर शिव मंदिर। मांडू के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था बाज बहादुर, और इनकी रानी थी रानी रूपमती। क्या नाम था इनका? रानी रूपमती, है ना। और रानी रूपमती जो है, बिल्कुल इनका महल है यहाँ पर, हिंडोला महल है, जहाज महल है। रानी रूपमती ने जौहर कर लिया था क्योंकि बाज बहादुर के ऊपर अटैक हुआ था। किसका? अकबर का। किसका हुआ था? अकबर का। और अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? आदम खान ने, है ना। तो जो आदम खान थे, इनकी वजह से रानी रूपमती ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। और फिर कहते हैं कि इसी के कारण से अकबर ने बाद में इनको एक बार छत से गिराया तो इनकी डेथ नहीं हुई, फिर दूसरी बार गिराया, तो ऐसी कुछ पर्टिकुलर स्टोरी टाइप की है। ठीक है, चलिए देखो मांडू में क्या क्या है, सारा लिख दिया मैंने यहाँ पे। अशर्फी महल सबसे मेन, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती दाई का महल, और नीलकंठ महल या फिर नीलकंठ मंदिर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अच्छा, एक और चीज, मध्य प्रदेश में यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल है वो कितने हैं? विश्व धरोहर स्थल इन एमपी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो ये तीन है, खजुराहो, सांची और पचमणि। ये तीन क्या है? खजुराहो, सांची और पचमणि। पर आपको ना इनका ईयर भी याद रखना है कि किसको किस ईयर में बनाया गया है, ये ईयर भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट कौन सा है? पचमणि है। वेरी गुड परी, 1986 में खजुराहो, 1989 में सांची, और 2000, अच्छा सॉरी पचमणि नहीं, ये क्या आ जाएगा? भीमबेटका का। पचमणि जो है वो सबसे नया क्या है आपका? मैब प्रोग्राम के अंदर, मैन एंड बायोस्फेयर, पचमणि उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर मिलेगा आपको भीमबेटका का, जो कब लाया गया है? 2003 में। जबकि पचमणि किसके अंदर है? सबसे बायोस्फेयर रिजर्व जो है वो है, और अभी इसको रिसेंटली एड किया गया है, पचमणि को और इसके बाद पन्ना को, मैन एंड बायोस्फेयर। मैप प्रोग्राम किसका है? ये भी हालांकि यूनेस्को का ही है, ये भी आप याद रखेंगे। जो मैप प्रोग्राम है ये किसका है? ये भी यूनेस्को का है, जिसके अंदर पचमणि भी मिल जाता है हमें, और पन्ना रिसेंट जो ऐड किया गया है वो पन्ना। और ये तीन विश्व धरोहर स्थल है एमपी के, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में है। सबसे पुराना है खजुराहो 1986, फिर है सांची 1989, और फिर है भीमबेटका 2003। इसके अलावा विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं? तो ये यूनेस्को की सूची में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1945 में ये बना था, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और अभी इंडिया में टोटल विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? टोटल तो वो है 40, जिसमें से 39th आपको मिलेगा रामप्पा टेम्पल। 39th कौन सा है? रामप्पा टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, किस राज्य में है? तेलंगाना में है। और 40th आपको मिलेगा ढोलावीरा। कौन सा? ढोलावीरा। और ये ढोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? एक शहर है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको याद दिला दूं, 2022 के प्रीलिम्स के पेपर में WHO के बारे में पूछा गया था। WHO 7 अप्रैल 1948, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय पूछा गया था, है ना। तो ये कब स्थापित हुए हैं वो भी पूछ लिया जाता है, और इनके मुख्यालय भी पूछ लिए जाते हैं। और ये कब बना है? 1942 में। इसका मुख्यालय पेरिस में है,
और वर्तमान में यूनेस्को के जो प्रमुख है उनका नाम क्या है? आंद्रे अजोले हैं। कौन है? आंद्रे अजोले। ठीक है, पेरिस फ्रांस, बिल्कुल। कितनी साइट्स हैं इंडिया में? 40 है और 39th है रामप्पा और 40th है कौन सी? धोलावीरा। ठीक है, तीन टेंटेटिव लिस्ट में, हालांकि तीन से ज्यादा है, कालका टेंपल और हनुमानगढ़ टेंपल भी है, पर तीन जो मेन है वो याद रखना, मोढ़ेरा का सन टेंपल है, वडनगर टाउन है और उना कोटी ऑफ त्रिपुरा। ये तीनों जो है वो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है। ओलंपिक कमिटी बिल्कुल लुजाने में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। और इस बार इंडिया ने ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे? तो 7 मेडल जीते थे। मध्य प्रदेश में गोटमार प्रथा कहाँ प्रचलित है बताओ? ये तो बहुत इसी बार के एग्जाम में आया था ये। गोटमार प्रथा जो है मध्य प्रदेश की, वो किस जिले से संबंधित है? आंसर बताओ, इसी बार का बता रही हूं। बिल्कुल आंसर क्या होगा? छिंदवाड़ा, है ना। पांडुर्ना ये जगह है पर जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मुलताई बैतूल लिखा हुआ है। मुलताई बैतूल से ना ताप्ती नदी निकलती है और ताप्ती नदी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की ओर बहने वाली। और सूरत जो है गुजरात का, ये इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, चलिए, हिंगोटमार ये किस जिले का है बताइए? हिंगोटमार जो है ये कहाँ का है? हिंगोटमार का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमपुरा इंदौर। क्या हो जाएगा आंसर इसका? गौतमपुरा इंदौर जो है इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, मालवांचल में इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के अंतर्गत आता है क्या? गौतमपुरा। और दीपावली के अगले दिन की रात यानी कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को हिंगोटमार युद्ध होता है। हिंगोट एक फल के खोल में बारूद भरकर रॉकेट की तरह इस्तेमाल कर एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का है, गौतमपुरा इंदौर मालवांचल का है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, तो इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है ये इस बार का, कलगीतुर्रा। बोले भैया कलगीतुर्रा जो है कहाँ का है? निमाड़ का है, है ना। जब ये होता है तो उसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? जय हिंद जीत। कलगीतुर्रा गायन का प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है? हारमोनियम, तबला, चांग या फिर ढोलक। अब ये तो सबको याद होता है कि निमाड़ का है, ये नहीं बता पाता है कोई। बिल्कुल, वेरी गुड अजय सौरभ, आंसर होगा इसका सी। चांग जो है वो क्या है? इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। किसका? कलगीतुर्रा। ठीक है, कलगीतुर्रा निमाड़ अंचल का एक गायन और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र चांग है, जिसके साथ रात भर कलगीतुर्रा गायन की प्रतिस्पर्धात्मक शैली जो है वो आयोजित होती है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, बिरहा गायन मध्य प्रदेश के किस आंचलिक क्षेत्र की प्रमुख पहचान है? बिरहा कहाँ गाया जाता है? बिरहा बघेलखंड, बिल्कुल। बिरहा कहाँ का है? तो ये है बघेलखंड का। डेफिनेटली सही आंसर बी होगा, यहाँ पर बघेलखंड होगा। ठीक है, और ये प्रश्नोत्तर शैलियों में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसको गाया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में मध्य प्रदेश के किस संगीत घराने का सर्वाधिक योगदान रहा है? विच म्यूजिक घराना ऑफ मध्य प्रदेश हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? ग्वालियर, इंदौर, मैहर या फिर रायगढ़। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल परी ने एकदम सही आंसर दिया है, इसका आंसर होगा ए, ग्वालियर घराना। और आप जानते हैं ग्वालियर से जो सबसे प्रमुख
कहना चाहिए सबसे फेमस जो रहे हैं संगीत सम्राट कौन, तानसेन, बैजू बावरा, उस्ताद हाफिज अली खां, पंडित शंकर राव, पंडित कृष्ण राव, राजा भैया पूंछ वाले, ये सब ग्वालियर घराने से संबंधित माने जाते हैं। तानसेन का संबंध भी किससे है? तानसेन का संबंध भी है ग्वालियर से। तानसेन पहले बघेल वंश के राजा के यहाँ रहते थे रामचंद्र देव, और वहां से फिर अकबर ने उनको बुलाया और कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी है। भैया कौन सी उपाधि? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि है ना। तानसेन का ओरिजिनल नेम वॉज रामतनु पांडे। क्या थे ये? रामतनु पांडे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली का प्रमुख आविष्कारक किसे माना गया है? क्या होगा आंसर इसका? ध्रुपद, बताइए। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ए, मानसिंह तोमर। सौरभ ट्राई कि आप ना आंसर लिखो, क्योंकि हम ए बी सी डी लिख तो देते हैं और फिर हमें याद नहीं होता है ना। तो आंसर क्या है? ए, मानसिंह तोमर। मानसिंह ने क्या बनवाया था? मान महल है ना। और क्या बनवाया था इन्होंने? इनकी जो रानी थी उनके लिए गुजरी महल है ना। और इन्होंने संगीत की एक पुस्तक भी लिखी है मान कौतूहल। क्या नाम है उस पुस्तक का? मान कौतूहल नाम की पुस्तक लिखी है किसने? मान सिंह ने। कहाँ के थे ये? ग्वालियर के राजा थे, तोमर वंश से इनका संबंध था। रूपमती नहीं है बेटा ना, गुजरी महल, मान कौतूहल बुक। ठीक है चलिए। संगीत सम्राट तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? लीजिए भाई, अभी बताया था ये तो मैंने आपको, बताइए आंसर। सही आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इज मुगल एम्परर अकबर। आंसर है इसका सी, मुगल बादशाह अकबर जो है, इन्होंने बघेल वंश के शासक के यहाँ से बुलाया इनको, और इसके बाद क्या हुआ? उनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। नई जीत। ठीक चलिए, लिखा हुआ संगीत सम्राट तानसेन के आगरा आने पर मुगल शासक अकबर ने अपने मुगल राज दरबार में उन्हें नौ रत्नों में स्थान दिया और कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। चलिए अगला क्वेश्चन। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने कौन से संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार किया है? बताइए क्या होगा आंसर? उस्ताद अलाउद्दीन खान, सुर सितार, चंद सारंग, जल तारंग या फिर सारे। क्या होगा इसका आंसर? ना, आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे, सुर सितार, चंद सारंग और जल तरंग, सभी का आविष्कार किया है ऑलवेज तुक्का, ऑल ऑफ द अबव। देखो मैं ये नहीं कह रही कि हर क्वेश्चन में आप ऑल ऑफ द अबव लगा देना, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको आंसर ऑल ऑफ द अबव ही मिलेगा अगर दिया है तो। चलिए, मध्य प्रदेश में शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? बताइए संगीत, अभी मैंने संगीत की बुक बताई है आपको मान कौतूहल, उसी से संबंधित लगाना है आपको आंसर में। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ग्वालियर। क्या होगा?
ग्वालियर जो है इसका एकदम सही आंसर होगा. ठीक है, बिल्कुल ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय जो कि प्रसिद्ध संगीतकार पंडित कृष्ण राव ने अपने पिता शंकर राव की स्मृति में बनवाया है. अगला क्वेश्चन, वह संगीतकार जिसे संगीत का कबीर कहा जाता है वो कौन है? बताइए, संगीत का कबीर किसको कहा जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी, कुमार गंधर्व. क्या होगा आंसर इसका? बी, कुमार गंधर्व को संगीत का कबीर कहा जाता है. अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, निमाड़ का कबीर किसको कहा जाता है? कबीर ऑफ निमाड़ के नाम से किसे जाना जाता है? जय परी दीपाली बताओ क्या होगा सही आंसर इसका. वेरी गुड परी, आंसर इज संत सिंगाजी. संत सिंगाजी जो है इनको निमाड़ का कबीर जो है वो कहा जाता है. चले अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य का पहला नाटक आनंद रघुनंदन की रचना किसने की है? क्या होगा सही आंसर? फर्स्ट प्ले ऑफ हिंदी लिटरेचर आनंद रघुनंदन, छत्रसाल, मधुकर शाह बुंदेला, राजा विश्वनाथ सिंह या फिर राजा रामचंद्र, बताओ. अब ये तो कोई वही बात नहीं होती है ना, राजा विश्वनाथ सिंह. बघेलखंड रियासत रीवा के शासक विश्वनाथ सिंह ने हिंदी साहित्य के पहले नाटक रघुनंदन की क्या की है? आनंद रघुनंदन की रचना की है. चलिए अब इनमें से बताना है कौन सा रंगकर्मी सही सुमेलित नहीं है. हबीब तनवर, रायपुर छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है. ठीक, बीवी कामत कर्नाटक, एकदम सही है. बाबा डिके ये भी कहाँ के हैं? नीमच के हैं. बाबा डिके भी कहाँ के हैं? नीमच के हैं. फिर बचा क्या? बचता है डी, प्रभात भट्टाचार्य, लखनऊ यूपी. ये जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है. तो देख लेते हैं भैया, प्रभात भट्टाचार्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संबंधित हैं. ठीक है, लखनऊ से कौन थे? तो लखनऊ से थे विभा मिश्र. ये कहाँ से हैं? प्रयागराज से हैं. विभा मिश्र कहाँ से थे? तो लखनऊ से थे, है ना. चलिए, राष्ट्रीय नाटक दिवस नेशनल ड्रामा डे कब होता है ये? अरे वो वेजिटेबल वाला था उसका आंसर, बताइए. राष्ट्रीय नाटक दिवस ड्रामा डे कब होता है ये? 16th ऑफ अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है ड्रामा डे. ठीक, 16 अक्टूबर 1896 को सेनानी सेठ गोविंद दास का निधन हुआ था और इन्हीं के नाटक के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर. अब याद रहेगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब तो याद रहेगा ना. राय लोक नृत्य में नाचने वाली नर्तकी कौन सी जनजाति से संबंधित होती है? बताओ, जो डांसर्स है राय फोक डांस की वो किस ट्राइब की होती है? सहरिया, बांछड़ा, बेड़िया या फिर मुंगिया, क्या होगा आंसर? बिल्कुल आंसर जो होगा होगा क्या? सी, यानी कि जो राय लोक नृत्य में नाचने वाली नर्तकियां होती हैं वो बेड़िया जनजाति से संबंधित होती हैं. कानड़ा नृत्य में कौन सा नृत्य होता है, मतलब कौन नृत्य करता है? महिला पुरुष करते हैं, दोनों करते हैं या फिर अविवाहित लड़कियां करती हैं, बताओ.
who dances in Kannada Nritya? Female, male, both male, female, या फिर unmarried girls. क्या होगा आंसर? महिला और पुरुष दोनों. ना बेटा, डी नहीं. आंसर इज बोथ मेल एंड फीमेल. ठीक है, आंसर क्या है इसका? बोथ मेल एंड फीमेल. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट क्लास इन विच वी हैव डिस्कस 25 क्वेश्चंस. बट अब हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे. इसकी जो टाइमिंग है सेम भी हो सकती है, डिफर भी कर सकती है. या तो मैं शॉर्ट्स बना करके आपको इसकी टाइमिंग कन्वे कर दूंगी, या फिर इसका जब शेड्यूल डलेगा कल के लिए तो आप वहां से टाइमिंग देख सकते हैं. ठीक है, और उस अकॉर्डिंगली आप सबको बता सकते हैं कि भाई अब एक टेस्ट सीरीज हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं. तो इसको अगर आपने बिल्कुल जो भी है परी, मैं सब कुछ आपको कन्वे कर दूंगी. डेली रहेगी, किस टाइम पर रहेगी, कैसा क्या होगा, तो उस हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे. बट ये आपकी जिम्मेदारी है सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की. ठीक है, सो 21 मई तक हम लोग इसको एकदम कंटिन्यू करने वाले. लास्ट मैं आपको 20 मई को ही कराऊंगी अगर आप आओगे तो. ठीक है, तो अजय हम लोग टॉपिक वाइज भी करेंगे, यूनिट वाइज भी करेंगे और FLT भी करेंगे. तो आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा. यूनिट वाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, सारे यूनिट्स. और हम एक मिक्स FLT भी किया करेंगे, जिससे ऐसा ना हो कि किसी की यूनिट 2 ही अच्छी है तो किसी की यूनिट 6 ही अच्छी है, है ना. तो वो FLT में आपको समझ में आ जाएगा किस यूनिट पे आपको ज्यादा काम करना है. इसके अलावा आप लोग कोई सजेशन या कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है, बट कल से रेगुलरली आना है आपको. जी मैं बता दूंगी. ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.